नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा सैनिकों की तरह हमारे किसानों का जज्बा भी बहुत ऊंचा। होली से पहले आम लोगों को बड़ा झटका, रसोई गैस की कीमत बढ़ी, अब 1103 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। यमुना के जलस्तर में सुधार नहीं, दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ी। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पेश किया बजट, किसानों के लिए खास है बजट। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। जम्मू कश्मीर में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर। कल से शुरू हो रहा है पूसा कृषि विज्ञान मेला, किसान स्मार्ट खेती से होंगे रूबरू। किसानों की सरकार को चेतावनी, 20 रुपए किलो खरीदो प्याज वरना बंद हो जाएगी मंडी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, कहा किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बन रहा पशुपालन स्टार्टअप। श्रीनगर को अब मिलेगा जापानी चेरी ब्लॉसम थीम गार्डन। करनाल में सरसों के किसान परेशान, हरे निशान पर खुला शेयर बजार, सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 17,350 के बाद। बारिश और तेज हवाओं ने बदला कई शहरों का मौसम, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमारे किसानों का जज्बा देश के सैनिकों की तरह है। जिस तरह सैनिक सीमाओं पर बहादुरी से डटे रहकर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारे किसान भाई बहन कृषि उपज उत्पन्न कर खाद्य सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। यदि किसान खेती न करें तो हमारे पास पैसा होने के बावजूद पेट भरने के लिए खाद्यान्न नहीं होगा। हमारा कृषि क्षेत्र 140 करोड़ भारतवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसानों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि देश में कृषि की प्रधानता के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा है। 2014 के पहले तक कृषि क्षेत्र का बजट लगभग 25,000 करोड़ रुपए होता था, जबकि आज मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट कृषि के लिए है। कृषि के विकास के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम किया जा रहा है। देश के 86% छोटे किसानों की माली हालत सुधारने के लिए ठोस काम हो रहा है। होली का त्यौहार आने से ठीक पहले रसोई गैस सिलेंडर ने महंगाई की आग भड़का दी है। घरेलू बाजार में बुधवार सुबह रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कमर्शियल सिलेंडर आज से 350.50 रुपए महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में आज 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वही राजधानी दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम अब 1103 रुपए पहुंच गया है। पहले यहां 1053 रुपए में सिलेंडर मिलता था। वही घरेलू सिलेंडर की कीमतों में करीब 8 महीने बाद बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। वही मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर अब 1002 रुपए में मिलेगा। वही कोलकाता में भी एलपीजी सिलेंडर 1069 रुपए बढ़कर 1129 पहुंच गया है। वही चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 1068 रुपए की जगह 1185 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर बिक रहा है। यमुना के जलस्तर में कोई सुधार न होने की वजह से अब लोग दिल्ली जल बोर्ड के पास शिकायतें कर रहे हैं। वही ट्विटर, फेसबुक और कॉल सेंटरों में पानी को लेकर कई शिकायतें मिल रही है। अधिकारियों के अनुसार पानी की शिकायतों में 15-20% का इजाफा हुआ है। पिछले 3 दिनों से यमुना के वजीराबाद तालाब में जलस्तर कम हो गया है। इसकी वजह से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से 15% कम काम कर रहा है और यह दिल्ली के बड़े ट्रीटमेंट प्लांट में से एक है। वही डीजीपी से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को वजीराबाद तालाब का जलस्तर 671.8 फीट रहा है। इसका सामान्य स्तर 676.50 फीट है। वही अधिकारियों के अनुसार हरियाणा की तरफ से यमुना में कच्चा पानी कम छोड़ा जा रहा है। पानी सभी एरिया में मिल सके इसके लिए पानी का रेशनलाइजेशन किया जा रहा है। जब तक हरियाणा की तरफ से यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार के द्वारा भी बजट पेश किया जा रहा है।
इसी कड़ी में मंगलवार 28 फरवरी के दिन बिहार के वित्त मंत्री श्री विजय चौधरी ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। बजट के आकार में पिछले साल की तुलना में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष सरकार ने 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। राज्य सरकार का फोकस बजट में युवाओं को नौकरी और रोजगार, साथ निश्चय एवं चतुर्थ कृषि रोड मैप पर है। वही बिहार सरकार ने अपने बजट में चौथे कृषि रोड मैप को शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलेट मिशन, दालों एवं तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन एवं तिलहन मिशन को शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा हर खेत पानी पहुंचाने के लिए कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाएगी। बिहार सरकार ने अपने बजट में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए निम्न प्रावधान किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए यूपी किसान उदय योजना के तहत 10 लाख सोलर पंप वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आप भी फ्री सोलर पंप लेना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत फ्री सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। आज हम यूपी किसान निधि योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं इस योजना का लाभ उठाएं तो आप जिसे आप ये जान सकते हैं कि इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, इस योजना के लाभ क्या है और इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता क्या निर्धारित की गई है। बाजरा उत्पादन और इसकी खपत को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगले 3 साल में इस परियोजना को पूरा किया जाएगा ताकि बाजरा की खेती, इसके पैदावार बढ़ाने, प्रमोशन करने में किसानों के बीच संभावनाएं पैदा की जा सके। यह पहल बाजरा के पोषण मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करने का भी एक बड़ा प्रयास है, जो प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व और फाइटोकेमिकल से भरपूर होते हैं। बदलते क्लाइमेट में बाजरा एक चमत्कारी अनाज के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य का अनाज भी कहा जा रहा है। वो जम्मू कश्मीर में इस समय 8,310 हेक्टेयर में बाजरा की खेती होती है, जिसे 14,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना है। इसे सूखा प्रवण क्षेत्र में उगाया जा सकता है, साथ ही इसे बड़ी मात्रा में पानी या बाहरी इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे पैमाने के किसानों के लिए ये एक आदर्श फसल बनती है। ये एक दोहरे उद्देश्य वाली फसल भी है, जो खेती की आर्थिक क्षमता में योगदान देने के अलावा भोजन और चारा दोनों प्रदान करती है। हर साल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा यानी कि ICAR और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि IARI द्वारा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका इंतजार देश भर के किसानों को रहता है। ऐसे में इस 3 दिवसीय मेले का आयोजन में बस एक दिन का ही वक्त बचा है। जी हाँ, 2 मार्च को इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करने जा रहे हैं। वो इस किसान मेले में 2 से 4 मार्च 2023 को मेला ग्राउंड पूसा दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस बार पूसा कृषि विज्ञान मेला मुख्य रूप से मोटे अनाज द्वारा पोषण, खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा थीम पर आधारित रहेगा। प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट से नाराज किसानों ने महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र के लालसगांव और नंदगांव कृषि उत्पाद बाजार समिति में प्याज की नीलामी रोक दी है। प्याज की प्रति किलो कीमत घटकर 2 से 4 रुपए प्रति किलो तक रह गई है, जिससे किसान काफी नाराज थे। हालांकि नासिक के प्रभारी मंत्री दादा भूसे के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया है। करीब 1.5 घंटे के आंदोलन के बाद नंदगांव मंडी में नीलामी फिर से शुरू हो गई है, लेकिन लालसगांव देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी में प्रक्रिया पूरे दिन फिर से शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि किसानों ने 10 घंटे तक अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। बता दें कि APMC एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, जहां किसान बड़े स्तर पर अपना प्याज बेचने के लिए जाते हैं। प्याज किसानों के एक प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार को तुरंत 1500 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का अनुदान घोषित करना चाहिए और उनकी उपज को 15 रुपए से 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदना चाहिए, अन्यथा वे नासिक जिले के लालसगांव APSC में नीलामी फिर से शुरू नहीं होने देंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि केंद्र सरकार पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में वर्तमान और उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में हैदराबाद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्टार्टअप इंडिया CII और पशुपालन विभाग तेलंगाना के साथ आपसी सहयोग से एक भव्य स्टार्टअप संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी में लोगों को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम उद्यमियों और हितधारकों के लिए अपने अभिनव विचारों, उत्पादों और नेटवर्क को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। सरकार का लक्ष्य पशु स्वास्थ्य और ऋण सेवाओं तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर पशुधन क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना है।
वे 2019 में पशुपालन के क्षेत्र में उत्पाद को बढ़ाने के साथ साथ उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने पशुपालन स्टार्टअप बड़ी चुनौती नाम से एक योजना शुरू की थी। इस योजना के जरिए पशुपालन क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ेगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन के बाद जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को जल्दी ही पर्यटकों के लिए एक और प्रसिद्ध आकर्षण मिलेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने जापानी सूकरा की तर्ज पर एक शानदार चेरी थीम गार्डन स्थापित करने का फैसला किया है। चेरी गार्डन के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और साल के अंत तक इसे स्थापित किया जा सकता है। जापानी अधिकारियों और केंद्रीय विदेश मंत्रालय के साथ फ्लोरिकल्चर विभाग के अधिकारियों की एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई है। प्रोफेसर ए के चावला सलाहकार और पूर्वी एशिया डिवीजन एमई ने बैठक की और मध्यस्थता की, जिसमें जापान से रोपण सामग्री की खरीद और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी परियोजना के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जा रहा है। वही हरियाणा के करनाल में किसानों को मोटा मुनाफा देने वाली सरसों अब एमएसपी तक भी नहीं पहुंच पा रही है। सरकारी खरीद शुरू न होने के कारण प्राइवेट एजेंसियां औने पौने दामों में किसानों की सरसों खरीद रही है और सरकार की नीतियों को कोसता बेबस किसान कम दाम पर अपनी सरसों बेचने को मजबूर है। हालांकि किसान सरकार से जल्दी खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो सुनने वाला है और न ही किसानों की बेबसी को देखने वाला कोई है। लिहाज किसानों में भी सरकार के प्रति गुस्सा है। पिछले साल मंडियों में सरसों एमएसपी से कहीं ज्यादा दामों पर बिकी थी। किसानों को 6 से 7 हजार प्रति क्विंटल तक का रेट मिला था। शायद ही कोई ढेरी सरकार ने खरीदे हो, सारी सरसों प्राइवेट एजेंसियों ने खरीदी थी। मार्केट में सरसों की डिमांड कम है तो सरसों के दाम भी बेमुश्किल 4,700 रुपए क्विंटल तक पहुंच रहा है, क्योंकि अभी तक सरकारी खरीद शुरू ही नहीं हुई है और सरकारी खरीद शुरू होने में भी काफी समय है। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के दिन मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 300 अंकों की जबकि निफ्टी में लगभग 100 अंकों की बढ़त दिख रही है। दोनों ही प्रमुख इंडेक्स में लगभग आधे आधे प्रतिशत की तेजी है। वही बाजार को आईटी और मेटल सेक्टर के शेयरों की बढ़िया प्रदर्शन से मजबूती मिल रही है। शुरुआती कारोबार में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 6% उछलकर कारोबार कर रहे हैं। वही दूसरी ओर हिंडालको और एमडीएम के शेयरों में भी 2-2% की मजबूती है। बता दें कि बीते कल यानी मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए थे। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की मजबूती के साथ 82.61 रुपए के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है। वे मैनेजमेंट की ओर से खुद से जुड़े विवादों पर सफाई देने के बाद वेदांता ग्रुप के शेयरों में भी रिकवरी आती दिख रही है। मार्च महीने का आज पहला दिन है और आज सुबह से ही मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। देखा जाए तो दिल्ली और इसके आसपास से सटे इलाकों में देर रात से ही मौसम ने परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सुबह के समय दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से मौसम ठंडा हो गया है। दिल्ली में महीने के पहले तारीख से ही मौसम की स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। सुबह के समय दिल्ली में ही हो रही हल्की बारिश ने बढ़ते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वो लोगों को आज हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। देखा जाए तो दिल्ली के कुछ इलाकों में आज सुबह से तेज सर्द हवाएं भी चल रही है। वही अगर हम आज के तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक आज देशभर के कई राज्य में अचानक मौसम में बदलाव देखा जाएगा। जहां कल तक ज्यादातर राज्य में तेज धूप से लोग परेशान थे, वही आज लोगों को सुबह से ही हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में 1 मार्च से लेकर 2 मार्च तक छीटपुर गरज के साथ हल्की से छीटपुर बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।